Good morning, students. This is your computer class, and today we will start our next topic, personal computer. Computer has come a long way since then. In 1981, IBM introduced its first personal computer, and in 1984, they introduced the advanced version of the personal computer called PC-80. कंप्यूटर को एक काफ़ी लंबा समय लगा बनाने में. इन 1981 आईबीएम ने सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी बनाया, एंड इन 1984 में उन्होंने उसको एक एडवांस वर्जन, उसमें और एडवांसमेंट की और उसको नाम दिया उन्होंने PC-80. पीसी मींस पर्सनल कंप्यूटर, 80 एडवांस टेक्नोलॉजी. दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज, फास्टर इन स्पीड, मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल. ये बहुत ही स्मॉल साइज के थे, स्पीड भी फास्ट थी और एक्यूरेट रिजल्ट देते थे. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स अवेलेबल नाउअडेज. आज के टाइम में बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड टैबलेट कंप्यूटर. ये सभी कंप्यूटर किस फॉर्म में आते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स हैं. Next, after learning about the history of computer, now you are going to learn about the generation of computer. जैसे हमने अभी history की कि कैसे कैसे computer develop हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, इनको जो इसकी history थी उसको generation में divide किया है. तो वो कौन कौन सी generation में कैसे divide किया है, let's learn. Generation. Dear children, we all have different generation of people in our family, like grandparents, parents and children. जैसे हमारी family में भी different different generation होती हैं. आपके grandparents हैं, parents हैं और children, ठीक है. Computer also has its different generations, like computer के भी अपनी अपनी generation है एक. तो सबसे पहले generation में क्या आता है, UNIVAC. Second, personal computer. Next is desktop computer. And next, ऑल इन वन कंप्यूटर, और जिसमें CPU और सब कुछ एक ही इक्विपमेंट में होते हैं, एक ही डिवाइस में होते हैं. नेक्स्ट, नोटबुक, टैबलेट PC, स्मार्टफोन एंड रेस्पबेरी पाई. रेस्पबेरी पाई क्या होता है, एक छोटा सा सर्किट होता है जो कि हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं. इट एनी क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर दैट कैन बी प्लग्ड इन टू अवर कंप्यूटर मॉनिटर, जिसको हम अपने कंप्यूटर मॉनिटर में ही भी प्लग इन कर सकते हैं. एंड इट वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड माउस. ये एक कीबोर्ड और माउस के साथ काम करता है. इट इनेबल्स यू टू एक्सप्लोर कंप्यूटिंग. ठीक है, तो इसके साथ हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड टू लर्न हाउ टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड स्क्रैच एंड फाइटोन. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं इससे. नेक्स्ट है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. जनरेशन मीन्स द प्रोडक्शन और क्रिएशन ऑफ समथिंग. जनरेशन मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को क्रिएट करना या उसको प्रोड्यूस करना. इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इट इम्प्लाइज रिमार्केबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी. तो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में इसका मीन्स है कि किसी चीज़ की ग्रोथ या डेवलपमेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, कि कैसे कैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो उसको एक जनरेशन का नेम दिया. द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर टुक प्लेस इन 5 डिस्टिंक्ट फेसिस कॉल्ड कंप्यूटर जनरेशन. तो कंप्यूटर की ग्रोथ 5 जनरेशन में हुई थी अलग अलग. द डिफरेंट कंप्यूटर जनरेशंस आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर टेक्नोलॉजी ऑफ बेसिक कंप्यूटिंग एलिमेंट. तो इसको कैसे कैटेगराइज किया गया कि उसकी बेसिक कंप्यूटिंग एलिमेंट जो यूज़ किए जाते थे, उसमें उसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस में डिवाइड किया गया है. Now let's learn about these different generations of computer. तो different generation के बारे में जानते हैं. First generation computer. The first generation of computer started in 1946. सबसे पहले जो computer generation थी वो 1946 में start हुई थी. The makers of this computer used thousands of vacuum tubes, which were often huge, taking up space of entire room. तो इसमें वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे जो कि काफ़ी बड़े साइज की होती हैं, और कंप्यूटर भी पूरे रूम के जितने बड़े होते थे. नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी. तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी, वैक्यूम ट्यूब्स. दे यूज्ड मशीन लैंग्वेज. उसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे. द साइज वॉज वेरी बिग. उनका साइज बहुत ही बड़ा होता था. दे आर वेरी एक्सपेंसिव. वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. दे प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट. तो उसमें जो इतने बड़े कंप्यूटर थे तो बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती थी.
द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज वेरी स्लो, उनकी ऑपरेटिंग स्पीड भी बहुत स्लो थी, दे वर नॉट मच रिलायबल, वो इतने ज़्यादा रिलायबल भी नहीं थे कि उसका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा. एनीवक एंड यूनिवक आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? यूनिवक एंड एनीवक. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या यूज़ करते थे? वो वैक्यूम ट्यूब्स, तो वो भी काफ़ी बड़े साइज की होती थी, तो इस वजह से कंप्यूटर का साइज भी एक रूम के जितना बड़ा था. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स इन द लेट 1950s, द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वार इंट्रोड्यूस्ड. तो 1950 के लास्ट में सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड हुए. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांसिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो ट्रांसिस्टर यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब की बजाय. फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के क्या थे? दे यूज ट्रांसिस्टर्स, उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे. दे यूज असेंबली लैंग्वेज, वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे. तो फर्स्ट जनरेशन थे वो मशीन लैंग्वेज, एंड जो सेकेंड जनरेशन है उसमें असेंबली लैंग्वेज. दे कॉस्ट द कॉस्ट गॉट रिड्यूस्ड, उनकी कॉस्ट भी थोड़ी कम होगी. द साइज बिकेम स्मॉलर, उनका साइज भी थोड़ा छोटा हो गया. द ऑपरेटिंग स्पीड बिकम्स फास्टर, ऑपरेटिंग स्पीड फास्ट होगी. दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, ये भी हीट तो ये भी बहुत प्रोड्यूस करते थे. IBM 140 Mark III and LU are the examples of second generation computer. कौन कौन सी examples है? IBM 140 Mark III and LU are the examples of second generation computer. The transistors were far superior than vacuum tubes. जो transistor हैं वो बहुत ही better थे vacuum tube से. That allowed computers to become smaller. कि जो computer उससे बहुत small हो गए. फास्टर एंड मोर रिलायबल दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन के कंप्यूटर के बजाय बहुत ही स्मॉल, फास्टर और रिलायबल थे. यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ वैक्यूम ट्यूब एंड ट्रांजिस्टर. वन वैक्यूम ट्यूब का साइज एंड 40 ट्रांजिस्टर का साइज, यू कैन सी एक वैक्यूम ट्यूब के जितने कितना था, 40 ट्रांजिस्टर के आ सकते थे उसकी जगह पे. नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. इन द मिड ऑफ 1960 के मिड में, मीन्स 1965, द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज ए मेजर ब्रेक थ्रू रिजल्टिंग इन द इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर. तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होने लगा? इंटीग्रेटेड सर्किट. द ट्रांजिस्टर वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IC, और इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स. जो ट्रांजिस्टर से उसको हमने इंटीग्रेटेड सर्किट से रिप्लेस कर दिया. आल्सो नोन एज सेमी कंडक्टर चिप्स, इसको और भी क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर चिप्स, विच मेड ऑफ कंप्यूटर मोर पावरफुल एंड इंक्रीज इट्स स्पीड एंड एफिशेंसी. इसने कंप्यूटर को और भी ज़्यादा पावरफुल, मीन बहुत ही उसकी स्पीड भी इंक्रीज की और उसकी एफिशेंसी भी इंक्रीज की. फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इट दे यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे. दे यूज हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान एंड कोबोल, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी, दैट इज फोर्ट्रान एंड कोबोल, दीज आर द हाई लेवल लैंग्वेज. द साइज बिकेम स्मॉलर, तो साइज और भी स्मॉल होता गया. दे जनरेटेड लेस हीट एंड वर मोर लेबल, वो हीट भी लेस प्रोड्यूस करते थे और मोर लेबल थे. They performed billions of instructions in a few seconds. वो billions of instructions को एक ही second में perform करते थे. User interacted with keyboards and monitor which interfaced with an operating system. तो user किससे interact करते थे? Keyboard और monitor से, किसी operating system में. जैसे एक operating system run होता है computer में, तो उसको interact करने के लिए keyboard और monitor use करते थे. IBM 360 and ICL 1900 and CDC are the examples of third generation computer. तो third generation computer की ये examples हैं. They use the integrated circuits. तो first generation computer क्या use करते थे? Vacuum tubes. Second generation transistors. उसके बाद transistors को किसने replace किया? Integrated circuits ने.